हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, क्वाड मिनिस्टर्स होल्ड टॉक्स ऑन रूल बेस्ड ऑर्डर यूएन रिफॉर्म। ठीक है, ये यहाँ पे बात हो रही है। क्वाड मिनिस्टर ने मतलब सारे मिल करके बात कर रहे हैं कुछ रूल बेस्ड ऑर्डर के ऊपर। देखते हैं क्या है यूएन रिफॉर्म में। मीटिंग अर्ली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग अलोंग द फ्रिंजेस ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएस रियफर्म द ग्रुप्स कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन वेयर डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। द क्वाड इज कमिटेड इटसेल्फ टू द प्रिंसिपल ऑफ द यूएन चार्टर एंड रिफॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूशन। द न्यू इनिशिएटिव टू हेल्प कंट्रीज रिस्पॉन्ड टू टेरर अटैक वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे एज पर द जॉइंट रीड आउट ऑफ द मीटिंग। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। देखिए, जो क्वाड है आपका, आप उसमें देखिए, इंडिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है। अब जब मैं ये कंट्रीज़ बोल रहा हूँ तो आपको मैप में आना चाहिए। इंडिया यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया उसके नीचे में, यहाँ पे जापान आएगा, इंडो पैसिफिक आएगा, यहाँ पे ऊपर में चाइना है, यहाँ पे जापान है आपका, और यहाँ पे फिर आपका यूएसए है। तो ये मैप आपको अपने आप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन से चार लोग हैं। वो बात कर रही है जो इंडो पैसिफिक एरिया है, यहाँ पे बात कर रहे हैं यूएन चार्टर से चीज़ें चलेंगी और फ्री, और वहाँ पे होना चाहिए, देखिए, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब यहाँ पे किसी एक का डोमिनेशन नहीं। वो किसी एक कौन है? चाइना की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड हिज काउंटर पार्ट डिस्कस्ड द आउटकम ऑफ द क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप कॉन्सिक्वेंसेस मैनेजमेंट एक्सरसाइज विच स्टडीड हाउ द क्वाड कुड हेल्प रीजनल कंट्रीज दैट हैड एक्सपीरियंस टेरर अटैक। तो यहाँ पे ये बात हो रहा है कि कैसे जो रीजनल कंट्रीज है उनके ऊपर टेरर अटैक हो रहा है, वो कैसे क्वाड का यूज़ कर सकते हैं। द वर्किंग ग्रुप इज नेक्स्ट शेड्यूल टू मीट इन हवाई इन दिसंबर वेयर इट विल कंडक्ट अ टेबल टॉप एक्सरसाइज। टेबल टॉप एक्सरसाइज देखिए, द मिनिस्टर्स स्ट्रेस्ड देयर कमिटमेंट टू काउंटरिंग टेररिज्म, देखिए, काउंटरिंग टेररिज्म इंक्लूडिंग टेरर फाइनेंसिंग एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स ऑफ टेररिस्ट एंड कर्बिंग द यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेरर पर्पज। तो यहाँ पे देखिए, एक तो बात हो रहा है टेरर को, टेररिज्म को काउंटर करेंगे, टेरर फाइनेंसिंग से जो उन लोगों को पैसा जाता है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेरर, टेररिस्ट जो इधर इस कंट्री से उस कंट्री जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से इंडिया में आते हैं, उसको रोकना चाहेंगे। और देखिए, जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसको टेरर के पर्पज से यूज़ करने से उसको रोकेंगे। तो ये इन लोग का यहाँ पे एम रहेगा। ऑन यूक्रेन द क्वाड रीड आउट स्ट्रक सिमिलर नोट इन रिसेंट G20 ज्वाइंट समिट फ्रॉम न्यू दिल्ली। इट एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न कॉलिंग फॉर द जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन विदाउट नेमिंग रशिया एज ए एग्रेसर। वी एक्सप्रेस आर डीप कंसर्न ओवर द वॉर रेजिंग इन यूक्रेन एंड मर्न इट्स टेरिबल एंड ट्रेजिक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस, द स्टेटमेंट सेड। तो मतलब इन्होंने रशिया का नाम नहीं लिया पर बोला वहाँ पे जो है वो हमारे लिए, हम उसके ऊपर दुख व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे बस ये बात हुई है जो G20 का उन्होंने एक स्टेटमेंट था सिमिलर वैसे ही। द स्टेटमेंट सेड एडिंग वी अंडरस्कोर द नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ द यूएन चार्टर। तो वहाँ भी लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ यूज हो, यूएन चार्टर से चीज़ें चले, प्रिंसिपल से। तो ये बात यहाँ पर हुई है। द क्वाड ऑल्सो ब्लॉक द यूएन एफर्ट्स टू रिस्टार्ट ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव BSGI, जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था, ये रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते जो रुका हुआ है, अ डील दैट सिक्योर्स द एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया। देखिए, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है रशिया यूक्रेन से। तो यही है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं। द एग्रीमेंट हैड एक्सपायर्ड इन जुलाई विद कंट्रीज कॉलिंग फॉर इट्स रिजम्पशन इंक्लूडिंग एट द G20 इन न्यू दिल्ली। द जॉइंट स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव यूएन रिफॉर्म। अब देखिए, यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट में यूएन रिफॉर्म की बात हो रही है, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग परमानेंट एंड नॉन परमानेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC। यहाँ इंडिया जाना चाह रहा है, चाइना ब्लॉक कर रहा है, तो उसी को फिर से एक्सपेंड करने की बात हो रही है। ये सारी बात कहाँ हो रही है? ये आपकी बात हो रही है क्वाड के मीटिंग में। वी अंडरस्कोर द नीड टू एड्रेस अटेम्प्ट टू सबवर्ट द इंटरनेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग इन आर यू एन एंड प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, द स्टेटमेंट सेड।
presumably referring to Russia's use of its veto to Security Council in action related to the conflict in Ukraine. तो मतलब अब कह जा रहा है कि रशिया का अगर वीटो चला जाएगा तो फिर इंडिया को सपोर्ट कौन करेगा, देखते हैं। ये मैंने बताया, यहाँ पे वही बात हो रही है। ऑन नॉर्थ कोरिया द स्टेटमेंट कंडेम्ड प्योंगयांग्स डिस्टेबलाइजिंग मिसाइल लॉन्चेस एंड परसूट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये जो वर्ड इन्होंने ऐसा आधा आधा लिख रखा है ना, ये थोड़ा सा मेरे लिए मतलब क्या पता नहीं, मतलब मेरे को दिक्कत हो जाती है। परसूट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन म्यांमार द क्वाड सपोर्टेड अ ट्रांजिशन टू इंक्लूसिव फेडरल डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ पे एक फेडरल डेमोक्रेसी हमारे लिए आ जाते हैं एक कीवर्ड। एंड द आसियान 5 पॉइंट कंसेंसस एंड अप्रैल 2021 एग्रीमेंट बिटवीन द म्यांमार जुंता एंड द आसियान ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज। द ग्रुप रीआइट्रेटेड इट्स कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल इनिशिएटिव इन द इंडो पैसिफिक रीजन इंक्लूडिंग द क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्रोग्राम अ पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रस्ट एंड सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हम देख लेते हैं एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देखिए क्वाड, क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप क्वाड सुन रहे हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इंडिया दिख गया, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिख गया। अगर ये चाइना आपका ऊपर में जा रहा है तो यहाँ पे आपको जापान दिख गया, ऐसे चाइना जा रहा है तो, और यहाँ पे आपको उसके आगे यूएसए दिख गया। तो मतलब ऐसा बस आइडिया आपको होना चाहिए कहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है, क्वाड इसके कंट्रीज। और दूसरा देखिए इसमें बहुत सारे ग्रुपिंग, यूएनएससी इसका इशू हमें पता होना चाहिए, हम यहाँ क्यों जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और हम क्यों नहीं जा पाए अभी तक, और क्या पहले कभी मौका मिला था हमें जाने का और हमने वो मौका किसी और को दे दिया, हम इतना अच्छा ही दिखाया कि वो मौका आज किसी और के पास है और आज वही आदमी हमें ब्लॉक कर रहा है। आप समझ रहे हैं, चाइना की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ एक बार इसके ऊपर स्टडी करिए नेट पे इसको देख करके। और उसके बाद आ जाता है आपका फिर यही आपका आसियान आ जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो पुरानी ही चीज़ें हैं, हमें पता होनी चाहिए बस। और यहाँ पे देखिए मेन यहाँ पे क्या बात हो रहा है, काउंटरिंग टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स ऑफ टेररिस्ट, कर्बिंग द यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर टेरर पर्पज़। ये यहाँ पे बात हो रहा है, एम है आपका। और क्या चाहिए हम लोग को यहाँ पे, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। हम लोग यहाँ पे मेन टारगेट किसको कर रहे हैं, चाइना, इंडिया, जबकि कभी नहीं बोलता ये चाइना को कर्व करने के लिए ग्रुपिंग है, इंडिया ऐसा कभी नहीं मानता है, पर ये यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। यहाँ पहुँचना है ना तो इनकी तरह मेहनत भी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत किया इन्होंने, थैंक यू।